हेलो लिसनर्स, वेलकम टू वॉइस विद राज। आज मैं आपके पास फिर आ गया हूँ एक अमेजिंग किताब लेकर। ये किताब आपको वो सारी चीज़ें बताएंगी जो कि हम लोग शायद अपने टीनेजर वाले एज में या फिर जब यू नो ट्वेंटीज में होते हैं हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बट ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं ना जो हम जितनी जल्दी समझ जाएँ उतना अच्छा है। तो इस बुक का नाम है, जिसको मैं बोलूँगा कमाल की बुक, जो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुई है, उसका नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इससे लिखा गया है, सबसे पहले तो इसकी फिलॉसफी यूज़ की गई है एल्फ्रेड एडलर की, और इसको फिर से लिखा गया है इशिरो किशिमी एंड फुमितके कोगा के द्वारा। सबसे बड़ी बात है ना कि इस बुक के अंदर ऐसा नहीं है कि यू नो एक कहानी है या फिर कुछ बातें हैं, इसमें एक्चुअली एक कॉन्वर्सेशन है बिटवीन अ फिलोसोफर एंड अ नॉर्मल यू नो स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए हम लोग की जिंदगी में बहुत सारे दुख है, कितने सारे प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, लाइफ में इतने दुख क्यों है, तो एक सवाल बहुत सारे सवाल एक बच्चे पूछ रहे हैं एक फिलोसोफर से, तो वो यू नो लाइफ की लर्निंग्स के अंदर उस बच्चे को लेकर जा रहा है वो फिलोसोफर, सारी कहानी बता रहा है जिंदगी में ये क्यों होता है वो क्यों होता है। तो एक तरह से एक कॉन्वर्सेशन है, बहुत ही मजा आएगा। चलो इसके हम लोग कुछ इसके बेस्ट लर्निंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। लर्निंग नंबर वन, देयर इज नो सच थिंग लाइक पास्ट ट्रॉमा। हम लोग अपने सारे इवेंट्स को इस चीज़ से डिफाइन कर लेते हैं कि मेरे साथ जो पास्ट में हुआ है ना इसीलिए मैं ऐसा हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि मेरी फैमिली अच्छी नहीं है, मेरे पास बिजनेस को करने को हिम्मत नहीं बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं है। बट एल्फ्रेड एडलर जो कि 20th सेंचुरी के वन ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर रहे और साइकोलॉजिस्ट भी थे, उन्होंने साफ कहा है कि आपका पास्ट और प्रेजेंट डिफाइन नहीं कर सकता। कुछ भी हुआ है आपके साथ, कुछ भी, इट डजंट मैटर। इस पर वो एक बात भी बोलते हैं, वी नेवर long time suffer from our past experience, we just give meaning to it for suiting our purpose। हम लोग बस you know बहाने करने के चक्कर में किसी purpose को satisfy करने के लिए अपने past को सामने ले आते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि मान लीजिए एक लड़की है घर के अंदर, वो घर से बाहर नहीं जाती है, वो बोलती है कि you know मुझे शर्म आती है, मुझे बाहर नहीं जाना, लोग अच्छे नहीं हैं, but actually में उसने अपने past trauma को अपने आस पे थोप रखा और वो नहीं चाहती है लोगों से मिलना। फॉर एग्जाम्पल वो जानती है कि घर से बाहर वो गई तो उसकी वो इज्जत नहीं होगी जो घर में पैम्पर उसके मम्मी पापा उसको करते हैं हर वक्त। वो बाहर गई, लोग उसको कोई इज्जत नहीं, इज्जत नहीं मतलब बेसिकली न्यूट्रल देखेंगे, कुछ खास वैल्यू नहीं होगा। लेकिन घर में जब वो खाना नहीं खाएगी, बात नहीं मानेगी, तो बच्चे मम्मी पापा उसके पास बार बार आएंगे, बोलेंगे बेटा क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं किया। तो वो जानती है कि मुझे इसको एज अ पर्पस यूज करना है ताकि मैं चीज़ों को अपने फायदा में कर सकूँ। वो जानबूझ के नहीं कर रही है, बट कहीं ना कहीं पास्ट ट्रॉमास उसके ऊपर उसने यू नो अपने पर्पस के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर लिया है। बट क्या इससे लॉस उसके मम्मी पापा का है क्या? वो तो अपने बच्चे का केयर कर रहे हैं। ओनली द गर्ल विल फेस द लॉन्ग टर्म लॉस। सेकंड वन, ऑल प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी दुख हैं, उसके पीछे कारण सिर्फ यू नो जितने भी रिश्ते हैं लोगों के साथ वही है। अगर आप एक योगी की जिंदगी जीते हो, अगर आप माइंड और दिमाग से शांत हो, तो आप जानते हैं आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी लाइफ का लास्ट 5 प्रॉब्लम को इमेजिन करके दे, आप पाओगे कि यू नो द मेजर रीजन ओनली इज बिकॉज आप यू नो किसी की वजह से हैं। मे बी आप अपने कॉम्पिटिटर को देख के बिजनेस उसके बराबर खड़ा करना चाहते हैं, एक पड़ोसी जैसा अपना गाड़ी खरीदना चाहते हैं, यू नो एक गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं अपने दोस्त जैसा, जो भी है। आप हमेशा प्रॉब्लम में तब आते हो जब आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को देखते हो। और इस पर एक बहुत ही सॉलिड एग्जाम्पल देकर ऑथर समझाते हैं कि एक बच्चा जब ग्रोइंग फेज में होता है ना, तो इट्स वेरी गुड कि थोड़ा उनको असिस्ट किया जाए, ना कि उनको बिल्कुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, जो अपने जूतों की लेस लगाने की कोशिश कर रहा है, उसकी माँ दौड़ कर चली जाती है, क्या बेटा नहीं लग रहा है? तो यहाँ पर माँ कहीं ना कहीं में भी इमोशनल होकर अपने बच्चे की मदद करना चाहती है, लेकिन इस चक्कर में अपने बच्चे को एक कमज़ोर इंसान बना रही है। वो पहले उस बच्चे को खुद उनको कोशिश करने देना चाहिए, 2 बार 3 बार 4 बार नहीं लगा पाएगा। और जब बच्चा खुद आकर बोले कि मम्मी क्या आप मुझे थोड़ी सी इसमें हेल्प कर सकती हो, तो उनको हेल्प करना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। इवन आपने सुना होगा कि गुजराती और मारवाड़ी फैमिली में बहुत रईस होने के बाद भी वो अपने बच्चों को छोटे मोटे जॉब में डालते हैं ताकि तुम एक्सपीरियंस करो, 100-100 रुपये का वैल्यू समझो, ताकि तुम बाद में 100 रुपये को समझ पाओगे, तब 1000 को समझोगे, तब 1,00,000 को समझोगे, तब 1,00,000 का वैल्यू समझोगे। वरना अगर ऐसे नहीं करेंगे तो वो अमीर बाप के बच्चे या अमीर लोगों के बच्चे पैसों की इज्जत नहीं करेंगे या काम की इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए आप देखते होंगे कि गुजराती जो माँ बाप होते हैं उनके बच्चे भी अच्छा करते हैं बिजनेस में जनरली। तो लाइफ में जब भी किसी की मदद करना हो, पहले तो बिना मांगे कभी ना करें, और जब करना हो तो कोई सही में आपके असिस्टेंस मांग रहा है, आपको बस असिस्ट करना है कि प्रोसेस क्या होगा, एक मैप क्या होगा, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं करना है।
क्योंकि आप इससे कहीं ना कहीं उनके लिए और अपने लिए दोनों के लिए चीजें खराब करोगे। थर्ड वन इज दैट सेपरेशन ऑफ टास्क, मतलब आपको काम बांटना पड़ेगा। अब जैसे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, मान लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छे कपड़े पहन के किसी पार्टी में जाते हैं, लेकिन शायद वो कपड़े आपके दोस्तों को पसंद नहीं आते, वो आपको जज करना शुरू कर देते हैं, मे बी अपना ग्रुप बनाकर आपका मजाक भी उड़ाते हैं। बट आपको यहाँ पे बहुत फ्रैंकली, बहुत स्मार्टली समझना पड़ेगा दैट ये आपका काम नहीं है कि किसी के जजमेंट को रोका जाए। सेपरेशन ऑफ टास्क क्या कहता है कि उनका काम है, उनका जो टास्क है वो है जज करना, लेकिन अब आपका यहाँ पर टास्क है कि आप उस पर रिएक्ट कैसे करो। एक इंसान हमेशा अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता है, तो सेपरेशन ऑफ टास्क में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि गुस्से पे कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। किसी का काम है जज करना, किसी का काम है नीचा दिखाना, किसी का नाकाम है अच्छा करना, इट्स देयर जॉब नॉट योर जॉब। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करने लगते, तुरंत में गर्म हो जाते हैं, चीजें खराब करते हैं, एंड दैट इज व्हाट ऑथर इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम डूइंग। फोर्थ वन, व्यूइंग वर्ल्ड एज अ टीम, मतलब दुनिया को एज अ टीम, एज अ अपने लोग देखना। हम ऐसे सोसाइटी में बड़े होते हैं ना कि हमें सिखाया जाता है कि मेरा फायदा कैसे हो, मेरी सक्सेस, मेरी जर्नी, मेरा सैलरी, मेरा पैसा, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ, मेरी दुनिया, बस मैं में हम लोग फंस जाते हैं। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती है। आप किसी भी बड़े फिलंथ्रोपिस्ट, बड़े बिलियनेयर, मिलियनेयर, किसी रियल सक्सेसफुल आदमी को ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप पाओगे दे आर गिवर फर्स्ट। वो पहले दुनिया की, समाज की हेल्प करते हैं। बिजनेस क्या करते हैं जो सक्सेसफुल बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। वो पहले चाहते हैं कि दुनिया का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करे, सारा नहीं कह सकते, मतलब जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है सॉल्व करे, सॉरी फॉर माई बैड, सो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और ऑटोमेटिक पैसा और चीज़ें सक्सेस उनकी तरफ फ्लो करने लगता है। बिकॉज जब तक आप गिवर नहीं बनोगे, जब तक आप लोगों की सपोर्ट नहीं करोगे, आप आगे नहीं आ सकते हो। इस पे बहुत अच्छे से ऑथर समझाते हैं कि दुनिया को दुश्मन नहीं देखे। आज आप दुनिया में जितने भी चमत्कार, जितने भी आविष्कार, जितने भी चीज़ देख लो, अपने आसपास बल्ब देख रहे हो, लैपटॉप्स देख रहे हो, बेंच, चेयर, यू नो, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सब एज अ टीम काम करने से हुआ है। मानता हूँ कि किसी एक को क्रेडिट दिया जा सकता है, किसने ढूंढा या इस पर सोचा, लेकिन जब तक टीम उसके पीछे काम नहीं करती ना, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। जितने भी ब्रिजेस देख रहे हो आप, जितने भी टीम, कंपनी, एक्सपेरिमेंट, इनोवेशन, ऑल आर रिजल्ट ऑफ टीम। तो हमेशा आपको ये सीखना पड़ेगा आर्ट ऑफ ट्रस्ट, आपको लोगों पे भरोसा करना ही पड़ेगा। और एक चीज़ आपको इस पे और याद रखनी पड़ेगी, When one trying to be oneself, competition will be inevitable get in the way. मतलब जब इंसान अपने रास्ते में अपने लिए कुछ अच्छा बनाता है, तो कंपटीशन से खुद मुक्त हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप कोई अच्छा चीज़ पे काम कर रहे हो, आपको पता है कि बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बट अपनी आप वाइस से नहीं भटकते हो, अपने पे यू नो जेन्यून रहते हो, तो आप बोलते हो ठीक है आज मेरा वक्त खराब है, लेकिन मैं चीज़ों को ठीक जरूर करूँगा, तो आप ऑटोमेटिक कॉम्पिटिशन से बाहर हो। और कंपटीशन से बाहर होने का मतलब है आप यूनिक वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, आप किसी की टांग खिंचाई नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं चाहते हो कि आप यू नो पैसे कम करके थोड़े दिन के लिए अपने कस्टमर को ठग लेना, अपने बिजनेस को नीचा दिखा देना, नहीं, आप जो भी काम करते हो बिल्कुल एक्यूरेट करते हो, आज नहीं तो कल सक्सेस आपके पास आनी ही है। और इस पर ऑथर एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल समझाते हैं कि मान लीजिए आप किसी पत्थर के गोले को ऊपर एक पहाड़ी पेड़ ऊपर ढकेलोगे, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा पहाड़ी के ऊपर ले जाने में, बहुत ज़्यादा, आपने एक सेकंड भी छोड़ा उस पत्थर को, पत्थर वापस नीचे आ जाएगा। लेकिन भाई अगर पत्थर क्या हो, अगर आप एक इंसान उस पत्थर को ऊपर से नीचे लेकर आए बिना किसी मेहनत के, बस एक पिन टच करेगा, एक हाथ से टच करेगा, वो सीधा पत्थर नीचे आ जाएगा। मतलब क्या, इसमें सारा एफर्ट ग्रेविटी का लग रहा है, और ग्रेविटी यहाँ पर टीम का काम कर रही है। तो अगर आप सही लोग को चुनते हो, सही लोग को मानते हो, या फिर दुनिया को अपने साथ लेके चलते हो बिना किसी से ईर्ष्या किए हुए, बिना किसी से नफरत किए हुए, तो आप ऑटोमेटिकली लाइफ में आगे बढ़ते ही चले जाते हो। और मैं भी ये चीज़ को बहुत अच्छे से मानता हूँ, और बहुत अच्छे से कोशिश करता हूँ कि लोगों को मैं साथ लेकर चलूँ, सब लोग की सक्सेस में मेरा सक्सेस हो, और पहले मैं एक गिवर बनूँ। नेक्स्ट लर्निंग, डिजायर फॉर रिकॉग्निशन। एक बच्चा है जो बर्तन धोता है घर में अपने, एक बार धोता है ठीक है, दो बार धोता है ठीक है, तो दूसरी बार जब धोता है तो माँ उसकी काफ़ी तारीफ करती है कि वाह मेरा बच्चा कितनी मरम्मत कर रहा है। तो बच्चा क्या करता है, हर दिन मम्मी के देखने से पहले फटाफट बर्तन धो देता है, तो हर दिन उसको तारीफ मिलती है, उसको अच्छा लगता है। तो इसमें गलत क्या है, इसमें गलत यह है कि बच्चा काम खुद के लिए नहीं कर रहा है, वो दिखाने के लिए कर रहा है। और हम सब ऐसे ही जी रहे हैं आज की दुनिया में, एक चाहे यू नो चाहे एक एम्प्लॉय हो जो अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहता हो, चाहे एक बॉयफ्रेंड हो जो अपने गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना चाहता है, लोग रियल नहीं रहना चाह रहे, इस चक्कर में रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, वो इंसान अपने पीक पे नहीं पहुंच पाता। आप जस्ट इमेजिन करो, अगर एक आर्टिस्ट सिर्फ बॉस के कहने पे आर्ट बनाए,
तो क्या उसकी रियल क्रिएटिविटी निकल कर आएगी? क्योंकि वो तो सिर्फ बॉस को इंप्रेस करना चाहता है, उसके अकाउंट में सैलरी आई कि नहीं, उसका काम हुआ कि नहीं। लेकिन जितने भी रियल इनोवेशन हुए वो तब हुए हैं जब लोगों ने रिकॉग्निशन को वैल्यू नहीं किया है, उन्होंने रियल आर्ट को फॉलो किया है। जैसे कि मान लो आज यूट्यूब इतना ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर रियल कॉन्टेंट क्रिएटर्स आए हैं, मतलब जिन्होंने रियल कॉन्टेंट बनाया है, लोगों ने क्रिएटिविटी देखी, लोगों ने ये समझा कि यहाँ पे तो रिकॉग्निशन के लिए उतना नहीं आ रहे, बट लिटरली ये वही करना चाहते हैं, किसी को पसंद है खाना तो वो खा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं YouTube पे दिखाऊंगा तो मैं भी लोग मुझे मेरी बेइज्जती करेंगे, बट वो कहीं ना कहीं जानता है यही मुझे मजा आता है, मुझे इसके लिए रिकॉग्निशन मिले ना मिले इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप रियल आर्ट को फॉलो करते हो, आप अगर रियल हो तो आपको रिकॉग्निशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ ये हार्ड है एक्सेप्ट करना, क्योंकि हम सब एक रिकॉग्नाइज सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन यही फैक्ट है। इसीलिए इस बुक को इतना टफ कहा गया है कि कुछ बातें आप जितनी भी यू नो मैं बोल दूं बट आपको ये मानना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट लर्निंग, द करेज टू बी नॉर्मल। आज की दुनिया में हमें ऐसा बोला जाता है कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास बहुत अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है तो आप अच्छे नहीं हो। हम आज की दुनिया में कॉम्पिटिशन को बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं हर जगह हर सेकेंड, लेकिन क्या हो अगर कोई इंसान नॉर्मल रहना ही पसंद करे, उसे नॉर्मल खाना पीना जीना इंजॉय करना, इतने पैसे कमाना कि जिंदगी अच्छी कट जाए, तो उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बोलते हैं ये तो बहुत ही हारा पैसा। बट नो, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट इट इज टोटली ओके टू बी नॉर्मल। बहुत लोग सक्सेसफुल नहीं बनना चाहते, बहुत लोग पैसा नहीं कमाना चाहते, बहुत लोग दुनिया नहीं घूमना चाहते, इट्स ओके। आज इवन आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे लोग अच्छे अच्छे लड़के अच्छी अच्छी लड़कियां जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा सकते हैं, बट स्टिल दे आर जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड, द बुलशिट ट्रेंड, कुछ भी करते हैं, कहीं भी नाचने लगते हैं, कुछ भी करते हैं विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, बट इट इज सैड रियलिटी। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेंड इज द अल्टीमेट किलर ऑफ सक्सेस, ये नवल रविकांत ने अपनी बुक में कही है बहुत अच्छे से। और ये तभी पॉसिबल है जब आप लाइफ को ऐसा नहीं समझे कि मुझे पहाड़ के टॉप पे पहुंचना है, आप ऐसा समझे कि जिंदगी एक सीरीज ऑफ मोमेंट है। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको। मान लो अगर आपको पहाड़ के टॉप पे पहुंचना है तो आप पूरी शिद्दत करोगे, पूरी मेहनत करोगे कि मुझे टॉप पर ही पहुंचना है, लेकिन मान लो अगर चढ़ते चढ़ते बीच में गिर गए, फिसल गए, घुटना टूट गया, मर गए फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आपने जिंदगी को एंजॉय किया? क्योंकि आपका गोल तो था बस टॉप पे पहुंचना कैसे भी। लेकिन अगर आप इसको समझते कि जिंदगी एक लाइन है और लाइन बनी होती है कैसे, अगर आप लाइन को ऑब्जर्व करोगे पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो लाइन बने कैसे होते हैं डॉट से, डॉट 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 डॉट, और हर एक डॉट को देखना शुरू कर दिया अपने जिंदगी के नजरिए से। हर दिन जीना है, हर दिन लड़ना है, हर दिन मजे करना है, हर दिन अच्छा करना है, तो आपकी जिंदगी कितनी अमेजिंग होगी, क्योंकि आप एंड रिजल्ट से बाउंडेड नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है अपने दिमाग में ठान लेता है कि मुझे UPSC निकालना है, वो अच्छी बात है, उसने गोल सेट कर लिया, लेकिन क्या हो कि अगर वो गोल से ओवर अटैच हो जाए और मान लो उसने दिन रात एक कर दिया बट स्टिल वो क्रैक नहीं हुआ, अब क्या हुआ? उसकी जिंदगी तो बहल बन जाएगी, क्योंकि उसने तो दिन रात यही सपने में देखा था यूपीएससी बन जाऊंगा, यूपीएससी निकाल लूंगा, यहां बैठूंगा, ये पोजिशन पावर होल्ड करूंगा, लेकिन उसकी सारी आइडेंटिटी हिल जाएगी, ही और शी विल बी इन द आइडेंटिटी क्राइसिस कि अब मैं हूं क्या, मुझे करना क्या है। बट वही एक इंसान है जो अपने गोल को तो मान लेता है कि मैं UPSC निकालूंगा, अच्छे से करूंगा भी फॉलो, दिन रात एक करूंगा, प्रोसेस को फॉलो करूंगा, लेकिन ठीक है नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, आई एम एन अमेजिंग गाई, कोई और अपॉर्चुनिटी मेरे लिए वेट कर रही है, तो वो क्या कर रहा है? वो अपने हर दिन को जी रहा है, उसको पता है कि ठीक है नहीं निकला तो ठीक है ना, इट्स नॉट माई एंड, इट्स नॉट एंड ऑफ माई वर्ल्ड। और इसी तरह आपको जीना सीखना पड़ेगा। सारी कंपनी मैक्सिमम लोग से प्रॉफिट सक्सेस इसी के पीछे जी रहे हैं, लेकिन आज जीना लोग भूल चुके हैं, और मैं अपने आप को भी यहाँ रखना चाहूंगा, पहले मैं भी ऐसा ही था, बट बिलीव मी जब से मैंने हर दिन जीना, हर दिन लड़ना, हर दिन एंजॉय करना, हर दिन स्ट्रगल करना, हर दिन समय अच्छे से बिताना सीख लिया है ना, बिलीव मी लाइफ बहुत प्यारी हो जाती है, बहुत प्यारी। मैं ये नहीं कहता लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम्स को भी आप डील कर रहे हो बिकॉज उसमें आपको मजा आ रहा है, बिकॉज आप हर दिन के लिए जी रहे हो। गिव इट अ ट्राई एंड थैंक मी लेटर फॉर दिस। और इसके लिए आपने नोटिस किया होगा, जब एक सिंगर गाता है, जब एक पेंटर पेंट करता है, जब एक डांसर नाचता है, तो कैसे वो खो जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि कल क्या होगा, कल मैं बचूंगा कि नहीं, कल मुझे खाना मिलेगा कि नहीं, ही इज इन द मोमेंट, इन द प्रेजेंट। इसी तरह अगर आपने अपने काम में आप खो गए, अपनी रिलेशनशिप में खो गए, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मेरा गोल क्या है, मुझे किसी को इंप्रेस करना है कि नहीं, मुझे इतना प्रॉफिट बनाना है कि नहीं, वो तो होना ही है, लेकिन यू विल अल्टीमेटली इंजॉय द मोमेंट्स ऑफ लाइफ। सो इन द एंड आई विल टेल, डू नॉट ट्राई टू बी रीच एट द टॉप ऑफ द माउंटेन एंड ट्राई टू इंजॉय ईच डॉट ऑफ नाउ और प्रेजेंट सीरीज, यू विल लव योरसेल्फ एट द डेथ बेड। सो यही था पॉडकास्ट, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, ये लर्निंग बहुत अमेजिंग से है और आपको जरूर ये बुक पढ़नी चाहिए। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मतलब यू नो अपनी डीप लर्निंग जो मैंने लिटरली सीखा है वही मैं आपको दूँ,
और ऐसा नहीं हुआ कि कहीं से कॉपी पेस्ट करके आपको मैंने दे दिया। सो ये मैं प्योर लर्निंग से पॉडकास्ट लंबे होते हैं बट डीप होते हैं, इसको अच्छे से सुनना, कहीं भी ट्रैवल करते हो कुछ भी करते हो बस ईयरफोन लगा लो, आप चाहो तो स्पीड बढ़ा सकते हो लेकिन अच्छे से सुना करो, उसको स्किप मत किया करना। और अगर आपको पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप इसको लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब या फॉलो कर लेना और नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना ताकि अगली बार कोई वीडियो आए तो आप मिस एकदम ना करो। नोटिफिकेशन मतलब घंटा जो बेल ऊपर रहता है यूट्यूब या पॉडकास्ट जहाँ भी आप देख रहे हो। आप इसको शेयर भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि शेयरिंग इज केयरिंग और गिवर और टेकर में फर्क होता है कि टेकर मतलब ही होते हैं और वो ज़्यादा आगे नहीं जा पाते लेकिन गिवर लोगों की मदद करते हैं, तो आप भी लोगों की मदद करें, उनको शेयर करें, इतनी अच्छी लर्निंग्स है ज़रूर दिखाएं। और अब चाहे तो हमें शॉर्ट वीडियोज़ के लिए जो कि लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ है, बिलीव मी आप हमारे रील्स को एक बार चेक करो, यू विल थैंक मी लेटर, बिलीव मी। लिंक नीचे है और हमारे शॉर्ट्स का भी लिंक नीचे है और पॉडकास्ट के चैनल का भी लिंक नीचे है, सब कुछ नीचे है, जाकर चेक करना। आप थैंक यू तो करोगे बिकॉज मैं जानता हूँ कंटेंट में कुछ भी वो नहीं है, कुछ भी उठाया और दे दिया, तो गिव इट अ ट्राई। चलो फिर मिलते हैं किसी ऐसी दमदार बुक समरी के साथ, तब तक के लिए एयर के लॉगिंग आउट।